निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नीत सरकार के समय BSNL मृत प्राय हो गया था, हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर लाने के लिए। चलिए देर ना करते हुए इस खबर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। 8 फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संपर्क सरकार के समय सरकारी स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL मृत प्राय हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए धन दे रही है और उसे प्रतिस्पर्धी बना रही है। निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान शिवसेना के अरविंद सावंत की टिप्पणियों पर सदन में हस्तक्षेप कर रही थी। सावंत ने आरोप लगाया कि सरकार BSNL MTNL जैसी सरकारी कंपनियों को मारने का काम कर रही है, जबकि वोडाफोन आइडिया जैसी निजी कंपनियों की मदद कर रही है। आपने 5G की बात कर दी, MTNL BSNL मर रहा है MTNL। अभी वोडाफोन और आइडिया के लिए आपने उनके कर्जे के ऊपर जो ब्याज आएगा वो ब्याज अगर सरकार को देना है तो सरकार को ब्याज नहीं देना, उसको सरकार के शेयर समझ लेना, मतलब कल को शेयर उसकी मालिक बन जाएगी। चलो ठीक है, अपनी खुद की कंपनी है ना BSNL, आपकी खुद की कंपनी है ना MTNL। 7 बरस से रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे हम स्ट्रेटेजिक उसको कर रहे, आज मर गई। यहां जाओ ना मुंबई के एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, मिलता है क्या देखो नेटवर्क? क्यों नहीं मिलता? कभी पूछा क्यों नहीं देते हो उनको मदद, क्यों नहीं करते हो मदद? रमन जी, यस मिनिस्टर, ही इज अ वेरी रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस। सच नहीं बोल रहे सर आप? BSNL का हालात इतना खराब था, उसको 4G खरीदने का भी पैसा नहीं दिया पिछले सरकार ने जी। और एकदम बिना पैसा BSNL में स्टाफ का सैलरी भी देना मुश्किल था। मोदी जी आने के बाद उसमें हर एक एम्प्लॉई का इंटरेस्ट के लिए वो वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ना हो, उनको पूरा पैसा देने का प्रावधान हमने किया। अभी 2019 में पूरे दुनिया 4G से होकर के 5G के ओर देख रहे हैं जी, तब आकर के हम 4G का खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। आप जरा ये पीछे 10 साल का कहानी भी इसमें जोड़िए, ये नहीं है सिर्फ हमारी ऊपर बोलना। वित्त मंत्री ने कहा BSNL हमारी रणनीतिक परिसंपत्ति है, हम उसे 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं और हम उसे प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अनदेखी के कारण BSNL ने पूरे 10 वर्ष खो दिए। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस सरकार में 2G में भ्रष्टाचार होने दिया और इन सब कारणों से भी BSNL को नुकसान हुआ। सीतारमन ने कहा कि जब 2014 में मोदी सरकार आई तब तक BSNL की स्थिति काफी खराब थी और उसके पास वेतन देने के लिए भी धन नहीं था। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सहित अन्य कार्यों के लिए धन मुहैया कराया तथा कर्मचारियों के बकाए का भुगतान किया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में यूनियन बजट 2022 में BSNL को वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार की ओर से 44,720 करोड़ रुपए की सहायता किए जाने का ऐलान किया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल BSNL कंपनी 4G विस्तार के लिए करेगी, जिससे पूरे देश में BSNL की 4G सर्विस मुहैया कराई जा सके। इस धनराशि का यूज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीस्ट्रक्चरिंग पर भी खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इसी तरह के वीडियोस पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लो। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।